हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। दाखरस परमेश्वर का लहू, जैसा कि लूका की किताब अध्याय 10 उसकी 34 आयत में लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक यात्री यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था और बाइबल कहती है कि जब वह जा रहा था तो डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक यात्री ने आकर उसे देखकर उस पर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर दाखरस और तेल डालकर उस पर पट्टियां बांधी। मेरे प्रियो, यरूशलेम का मतलब है शांति का स्थान और यरीहो का मतलब है निचला स्थान, यानी एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है और जो असली नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अपने ऊंचाई वाली विश्वासी कुर्सी को छोड़कर नीचे की ओर जाएगा तो उस पर शैतान का हमला होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। बाइबल में लिखा है कि जब वह घायल हुआ तो दाखरस और तेल के द्वारा उसके सारे जख्म ठीक किए गए। दाखरस का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। लहू का मतलब है तौबा। बिना तौबा के आप कभी भी परमेश्वर से वह वापस नहीं ले सकते जो आपने खोया है। चाहे आप जितना मर्जी बीज बोते हो, जितनी मर्जी विधवाओं की मदद करते हो, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पर आप तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप दाखरस यानी कि यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते। अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं लेकिन अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो वह छुटकारा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने का असली मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर चुके हैं कि वह आपके लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर आप असली तौबा करते हैं। जो कुछ शैतान ने आपका छीना है अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो तौबा करें और बपतिस्मा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दाखरस और तेल लगाकर पट्टियां उसके जख्मों पर बांधी गई जब तक उसकी पूरी चंगियाई नहीं हुई। परमेश्वर ने इसराइलियों को भी यह बात बोली थी कि जब तुम कनान देश में जाना तो उनके देवताओं के नाम भी अपने मुंह पर मत लेना, तुम मुझे छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर करके ना मानना। इसलिए अगर आप छुटकारा चाहते हैं, चंगियाई चाहते हैं, तो आपको तौबा करनी पड़ेगी और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके अन्न जल पर आशीष देंगे और आपके बीच से रोग दूर करेंगे, अपने वायदे आपके जीवन में पूरे करेंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अपने पापों की तौबा करता हूँ और आपके लहू पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर, अपने लहू से मेरे रोगों और मुसीबतों को मेरे जीवन से दूर कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।